दिवाली की सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। और सीधी तस्वीरें सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको दिखाते हैं, केवड़िया लेकर चलते हैं, जहां पर देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मौका। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, पुष्पांजलि सबसे पहले उनकी तरफ से अर्पित की गई, और उसके बाद ये जो खास तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पुलिस बलों की टुकड़ियां इस परेड में शामिल, और जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन देखिए यहाँ पर किया गया है, सबसे पहले भव्य परेड यहाँ पर हुई सुबह सुबह, और उसके बाद जो कार्यक्रम तय था उसी के हिसाब से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2018 में इसका निर्माण हुआ। और हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं। 31 अक्टूबर का ये दिन जब हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वायुसेना का फ्लाई पास्ट और परेड, तय कार्यक्रम कि आज के दिन यहां पर हर साल जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसी की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ आप वायुसेना का फ्लाई पास्ट देख रहे हैं, देखिए, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह सुबह के समय यहाँ पर पहुंचे और सबसे पहले हाथ जोड़कर नमन उन्होंने किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसके बाद पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता की शपथ दिलाई। सैल्यूट हमारे मुख्य अतिथि और सभी दर्शकों को। आशा है कि ये प्रदर्शन देखकर आपको भी उतना ही आनंद और गर्व का अनुभव हुआ होगा। तो तीन तस्वीरें, एक तरफ एयर शो जो इस वक्त चल रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर स्टैचू ऑफ यूनिटी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। सरदार साहब की ओजस्व वाणी स्टैचू ऑफ यूनिटी के समीप ये भव्य कार्यक्रम एकता नगर का ये विहंगम दृश्य और यहां हुई शानदार परफॉर्मेंसेज, ये मिनी इंडिया की झलक, सब कुछ कितना अद्भुत है, कितना प्रेरक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर को होने वाला ये आयोजन पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है। मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह
मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का एकता दिवस एक और वजह से भी विशेष है। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। ABP News, आपको रखे आगे।